अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग, बट ये दिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा दोपहर का टाइम हो चुका है। और ये देखें जी, आज ये लगाई हुई थी मैंने मशीन, ये देखें। और ये अभी तक कपड़े रह गए हैं, ये देखें, ये देखें, अभी थोड़ा ये देखें। और ये लास्ट ही थे, मैंने वीडियो नहीं बना सकी। मेरा यही था, जब मेरी थोड़ी मशीन हो जाए, थोड़े कपड़े ड्राई कर लूँगी और फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन बट कपड़े इतने थे कि मैंने अंदर ही लगा दी, मतलब थोड़े से कपड़े होंगे, मशीन अंदर ही लगा दी। और ये बाहर में डाल रही हूँ, लास्ट ये ड्रेस था मैंने बाहर में डाल दिया। बस किचन अभी मेरा वैसे ही पड़ा है, अभी बाइक की सारी सफाई है घर की तो मैंने कर दी है। और ये मैंने इस पर कवर चढ़ा दिया है, ये देखें। बाहर अभी धोने वाला रहेगी, वो देखा भी मेरा वो ही पड़ा। और ये आज हस्बैंड का पैंट शर्ट निकाले तो उनकी वही निकालते रहे हैं, और बस उसी में टाइम गुजर गया आज। और ये कपड़े भी बैक मेरे रह गए हैं, और ये देखें जी अभी तक रह गए मेरे कपड़े। और ये देखें शाम हो गई है, और ये जी बाइक स्वेटर निकाली है तो मैंने खुद होकर दुबला बाद में शीशे में लगे हुए हैं। ये देखिए इतने कपड़े थे, ये सारे ड्राई हुए हुए हैं, बस मैं इनका हवा लगवा लूँ पंखा चला के। ये हवा लग रही है इसको, इनको बस अभी तक काम रहते हैं। और अभी तक ये किचन काम देखें, अभी देखिए चंदा से पड़ी है। ये देखिए तैयार हो रहा है, और ये मसाला तैयार हो रहा है। और ये देखिए ये राइस उबले पड़े हैं, और बर्तन धो धो के फिर वही हाल है, बस साथ ही किचन भी सीट रहे हैं। और ये देखें अभी ये बाहर वाला हिस्सा भी वॉश करने वाला वैसे ही रहता है। ये कपड़े वैसे रह गए हैं मेरे, धुल गए हैं ऐसे, लेकिन ड्राई करने के लिए रह गए क्योंकि वो बड़ी चादरें थी, तो मैं कल सुबह उनको ड्राई करूँगी। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया था, हमने नहाना भी था, मैं नहाने से लाइट ऑन करके लिए बैठी। ये देखें अभी 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 अब मैंने इसको वॉश करना है, किचन को भी अब वॉश करना है। मतलब पहले खाना बना लेते हैं फिर एक ही दफ़ा किचन और दोनों चीज़ें वॉश करेंगे। बस बात में सीख आ गई है, इसके अंदर मैंने डाल दिया दही, दही वो दही छोड़ती है ना, इस वजह से बस इसको नहीं करेंगे नाइट करके। और फिर हमारा अच्छी तरह गल गया, मैंने इसकी रेसिपी ये है कि मैंने इसी के अंदर ना अदरक घी डाल दिया, अंदर ही सब कुछ प्याज लहसुन अदरक और बिरयानी मसाला शाम का नेशनल का खाने के पास मैंने नेशनल के अंदर डाल दिया। और टमाटर सब्ज़ मिर्चें वो डाल के चिकन डाल के और इसको थोड़ा सा पानी डाल के पानी खुश्क हो गया, तो इस तरह से मैंने इसको चक्कर दी। और अब इसके अंदर मैंने दही और ये अभी पानी छोड़ दिया दही, और बस ये तैयार है। बस हम इसको अच्छी तरह हम ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसको दम दे देंगे। जब दम दूँगी तब भी आपको दिखाऊँगी। और बस आयता मैंने तैयार कर लिया और खाने के बाद ट्राई कर रहे हैं, और जब फिर करेंगे और फिर आपको दिखाऊंगी। यार बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। और घर सारी चीज़ें सफाई के लिए अच्छी कपड़ों का अंबार लगा हुआ रहा वहाँ पे, और क्योंकि कवर चढ़ाया है मैंने, ब्रश निकाले ब्रश निकाली है सुबह को 10 बजे से लगी हुई हैं, और अब तकरीबन को टाइम हो गया 7 बज गए। अभी तक मेरा खाना बन रहा था, मेरा कफ भी हो गया, टाइम नहीं है ना, हमने साफ मुँह धोएंगे और ऐसे कपड़े चेंज करेंगे, फिर सुबह कभी ठंडा खाने पानी भी पीते हैं। फिर ऐसे ही माओ किसी और हो गया, पहले मुझे कुछ तीन दिन बढ़ रहा है, फिर उसके कुछ रास्ते भी मैंने कपड़े दिए थे, फिर नहा लिया था, उसके बाद मुझे फीवर हो गया। और इसको पहले कभी नहीं करनी है, फिर देखो ये अब घी पर आ रहा है, गर्म लगा अच्छी लगता है। बस इसको अच्छी गर्म करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसकी तह लगाएँगे, फिर राइस रखेंगे, इनको निकाल लेंगे और लैदर पर राइस की तह लगाएंगे, और ऊपर से फिर चिकन की फिर राइस डाल के, और उसके ऊपर फिर इमली भिगो के रखी है। ये देखिए ये मैंने इमली इसके अंदर भिगो के रख दी है, बस इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल लेंगे हम, और फिर ऊपर ये पानी डाल देंगे। और अभी मैंने वो जो कलर डालना हो फिर उसको भी अब पानी के अंदर डाल के रखना और भिगो डालना है। और फिर हम टमाटर डाल देंगे, फिर हम नींबू डाल देंगे, फिर ये देखें ये मैं दम देने लगी हूँ। ये मैंने इसके ऊपर डाला गरम मसाला, टमाटर और ये वाली मिर्ची मैंने इसके अंदर डाली है, और
पुदीना थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा अचार डाला, नींबू डाला, ये डाला, कलर डाला इसके अंदर, और वो इमली कप मैंने जो भिगो के रखी थी उसका जो पानी था वो डाला इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर दम दूंगी और पहले एक दो मिनट या डेढ़ मिनट में आँच मीडियम रखूंगी और उसके बाद स्लो कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए, ये थी हमारी किचन हो गई साफ। ये देखिए, ये मैंने कहा क्रीम शामिल था और थोड़े से फ्राई में तो ये फ्राई कर लेते हैं साथ बिरयानी के साथ, फ्राइज अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये हमारी बिरयानी, ये देखिए गर्म गर्म ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई। मैंने मिक्स नहीं की, ऐसे ही वहाँ रख देंगे और फिर काट देंगे, ठीक है। और ये हमारा, ये हमारे घर वाले शौक से ना ये पुदीने का आटा खाते हैं तो फिर वो बना दिए अपने साथ। और ये साथ खीरे और गेहूँ हो गया, ये चाय के लिए नलका चाय का पानी रख देंगे। और ये भाई से भी सॉरी वॉश कर लिए, ये सिंक वगैरह सब वॉश हो गया। देखें ये देखिए, ये भी बेड शीट्स को मैंने ड्राई तो कर लिया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं, वो वाली तो मैंने डाली नहीं थी ना अंदर, वो भारी थी, मैंने कहा ऐसे ड्राई ख़राब नहीं हुई, वो काफ़ी भारी थी वो वाली। देखें किचन, ठीक है, मुझे याद, किस किस को इतना काम करने के बाद अपनी अम्मी याद आती है, मुझे तो अपनी अम्मी बहुत याद आ रही है। किचन में शादी से पहले होते थे हम काम करते थे तो हमें अपनी अम्मी बहुत याद आती, काम करते थे तो अम्मी उस टाइम जिसने बर्तन धोया काम किया इतना ज़्यादा सादा था उसकी तो उस टाइम बहुत ही रोटी करती थी। मम्मा इतना प्यार करती थी उस टाइम, मेरी मम्मा ने इतना ख्याल रखना, चाय बना देनी कि आज ठंड थी और इसने कपड़े भी धोए हैं, खाना बनाया, ये किया, क्योंकि खाना तो बनाने नहीं देती थी, इन्हें आपने सफाई भी किया, कपड़े भी इतने ज़्यादा धोए हैं और इतनी ठंड में खाना बना देते हैं, चाय बना देनी, ये करना वो करना, और फिर बहन भाई को कहना आज इसे कुछ नहीं किसने कहना, ये देखिए कितना काम कर रही है ये, और शादी के बाद जितना भी काम कर लो कोई नहीं ऐसा होता, मुझे तो बहुत अभी की याद आ रही है। मैं तो बहुत थक गई, बहुत थक गई, क्योंकि सुबह उठी थी नाश्ता फिर आटा वगैरह भी कूटा मैंने, नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद मशीन भी साथ लगा दी मैंने, और मशीन के कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, और साथ से पेंट शर्ट ससुरल ने कहा निकाल दिए, फिर उनकी वो भी मैंने निकाली सारा, पता नहीं कि याद ही नहीं लाती जिधर चीज़ी थी वो सब कुछ खोलना पड़ा, फिर जरा सारे बैग्स वगैरह फिर उनको खोल निकाली है, उनको भी स्मेलना पड़ा, उनको भी हवा बाई से धूप लगवाई मैंने, कुछ वॉश भी किए हम सबको वॉश करके, उनको भी लगानी पड़ी, वो भी इतनी ज़्यादा पेंशन थी अपनी तो पैंट धोने को देखती होता है, तो सारा घर भी साफ किया, डस्टिंग की, अपने कवर चेंज किए मेरे चढ़ाए, और किचन भी इतना बिखरा हुआ था, बर्तन धोया, अभी खाना भी बनाया, एक ही दिन में ठंड में और तो काफ़ी थक गई हूँ, और अम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, शादी की बात करना पड़ता है, इंसान को भी करना पड़ता है, और किस किस को याद आती है, इतना काम करने के बाद शादी के बाद अपनी अम्मी की याद किस किस को आती है, तो बहुत याद आती है अपनी अम्मी की, और अल्लाह बस मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अदा करे, कि अगर वो होती तो बंदा चलो देख चला जाता है, नहीं वो तो नहीं है, वो तो छोटी मंगल छोड़ के चली गई, उनको तो बीमार आई थी 2 साल हो गई, और इस साल खत्म हो गया, तीसरा साल उनको स्टार्ट हो गया, तीसरा साल शुरू है मेरी अम्मी को, ट्राई हो जाते हैं और हमारे लिए शामिल हो जाते हैं, मेरी उन्होंने अभी मेरे से ट्राई से कच्चा गर्म करेंगे तो मेरे देखे तो उठे। अच्छा क्या है कि आप खुद ही शामिल थी, ये दाल करने के बाद उनके फैमिली को बहुत इतने अच्छे नहीं हैं, और ये जैसी दाल पर मैंने अपनी तीसरी दफा कोशिश की है, मेरे को कुछ दाल नहीं टूटे लेकिन ये आज भी टूट रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये आज भी टूट रहे हैं, और मैं डर से अब उनकी साइड भी चेंज कर, ये देखिए ये जैसे टूट ही रहे हैं, तो ये देखिए हालांकि मैंने इनको इतना भी कर दिया कि टूटे नहीं, और ये मुझे भी लग रहा है कि ये टूटे ही देखे जैसे कि ये टूटे गए ना, और इनके लिए कबाब इनके सीख कबाब बहुत अच्छे हैं, नगेट्स इनके बहुत अच्छे हैं, और फ्राइज हैं, और मैं ज़्यादातर हम नगेट्स लेते हैं, कबाब नहीं है, और ये सब शामी मैंने ले लिए, और बस और ये फ्राइज हम लेते हैं, ये चाय के साथ फ्राइज होते हैं, खाने के साथ होते हैं तो अच्छा लगता है फ्राइज खाना, तो इसलिए मैंने बिरयानी के साथ भी आए थोड़े से खाते हैं, बिरयानी के साथ खा रही हूँ, चाय के लिए क्योंकि ये देखिए मैंने चाय के लिए, ये देखिए मैंने पानी रख दिया है क्योंकि खाना लगा दूँगी और मौत हो गया, ये देखिए
फ्रेंड्स, बस चाय पिया मैंने, खाना वगैरह खा लिया, बर्तन वगैरह किचन में रख दिए, स्मेल नहीं है, और चाय बना के सबको दे दिया और मैंने भी चाय पी लिया। और ये देखें जी, ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, सुलाने की कोशिश की जा रही है। और बस इसके ये अब मैं इसको चेंज करवाने लगी हूँ, शर्ट इसका नाइट ड्रेस डलवाने लगी हूँ। आज इसको मैंने ये वाले कपड़े इसलिए डलवाए थे क्योंकि मैं कपड़े वॉश कर रही थी, और दूसरा नहीं, इसको धूप पे ना इसके बाबा ले गए थे, इसके यानी चाचू लगते हैं वो, तो इसको वो ले गए थे धूप पे, तो मैंने कहा धूप आई ज़्यादा थी तो फिर वहाँ पे बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा इसलिए इसको धूप पे ले जाए, इसको धूप लगवा लें बाइक बैठ के, तो इसलिए ये डलवाए थे। अभी चेंज करते हैं इसको और बस फिर सोने लगे हैं। ये मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं और बस फिर सोते हैं। आज का व्लॉग यही था, और बस आज बहुत थकावट हो गई है, इस टाइम मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं और बहुत ही थकावट हो गई है, पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, और बस बहुत थक गए हैं। और यहीं तक आज व्लॉग था, अगर अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आपको मेरा हर आने वाला नया व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब एक नए नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग में मिलेंगे आपके साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।